Good morning, children. Today we are going to start chapter number 4 of your English literature book, The Cranky Macaw. This story is Old Sailor Johnny Jailer. Johnny Jailer. This story about Old Jailer, whose name is Johnny Jailer. I'll read the text. Open your book and chapter number 4. I'll read the text and explain it in the also. Okay, let's start. Once again, Johnny sailed out the sea. When he was small, at the age of 12, he started sailing. Since then, it has been 66 years. He has sailed across the world. He has seen many countries, but the sea was his home. He did not try to live on the land for a long period of time. One sailor, एक जो सेलर था, ओल्ड सेलर यानी बुढ़ा था, उसका नाम क्या था? जॉनी जे. उसको समुद्र से बहुत प्यार था और जब वो एट द एज ऑफ 12 व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 12 ही स्टार्टेड सेलिंग और उसने क्या किया था, सेलिंग स्टार्ट कर दी थी. और अब वो कितने उसको सालों में सेलिंग स्टार्ट कर दी हुई 66 इयर्स हो गए. ही हैज सेल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड और उसने इतने सालों में पूरा वर्ल्ड देखा, पूरा मतलब पूरी दुनिया, पूरा संसार उसने देख लिया. He has seen many countries, but the sea was his home. उसने बहुत सारी countries देखी, पर उसको अपना घर जो लगता था, वो कौन सा लगता था? सिर्फ समुद्र ही उसको अपना घर लगता था. He did not like living on the land. उसको land पे रहना पसंद नहीं था बहुत लंबे समय तक. और वो तो वहाँ पर एक he had a small cabin on an island of Guana. Guana एक island था, वहाँ पर उसने एक small cabin, small cabin में था like a small room. तो एक small तो वहां उसने आइलैंड गुआना में एक स्मॉल रूम बनाया था जो उसकी फैमिली उसी के पास ही मतलब एक दूसरा आइलैंड था उस वहीं पे ही उसकी फैमिली रहती थी. पर वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता था. वो एक गुआना में एक केबिन बनाकर एक छोटे से कमरे में अपने लिए अलग से वो वहां पर वहां रहता था. ओवर द ईयर जॉनी ने कुछ मेन फ्रेंडशिप में ओनली वन पर्सन इतने साल हो गए थे कि जॉनी का कोई भी फ्रेंड नहीं था. क्रेजी कोट एज ही वाज ग्रोन स्पोक लाइक अ मैन बट विद अ वेरी ओल्ड श्रिंकिंग टोन. क्रेजी कोट एंड जॉनी जे बोथ लिव नियर बाय द सी. क्रेजी कोट यहां पर क्रेजी कोट किसका नाम है? नाम है क्रेजी कोट जो है वो यहां पर पैरेट का नाम है. मकाऊ मकाऊ क्या होता है? पैरेट होता है. तो यहां पर जो क्रेजी कोट है वाली यहां पर जो ओल्ड सेलर था अपने टाइम में ओल्ड सेलर इसके साथ रहता था, क्रेजी कोट के साथ रहता था और दोनों की अच्छी दोस्ती भी थी आपस में. मीटिंग पीपल ऑलवेज मेक देम क्रैंकी विद पीपल बट व्हाट मेड क्रेजी कूट रियली स्पेशल वाज दैट ही वाज अ मकाओ अ काइंड ऑफ साउथ अमेरिकन. मीटिंग पीपल ऑलवेज मेड देम यानी जो ज्यादा लोगों से मिलते थे तो उनको पसंद नहीं था. क्रैंकी मींस बैड टेंपर यानी उनको गुस्सा आने लगता था, ज्यादा लोगों से उनको मिलना पसंद नहीं था. तो वो क्रेजी कूट के साथ ही क्योंकि क्रेजी कूट उनके लिए बहुत स्पेशल था, उनका फ्रेंड था. और वो क्या था, एक मकाओ था. मकाओ क्या होता है? पैरेट होते हैं जो साउथ अमेरिकन पैरेट होते हैं उसको हम मकाओ कहते हैं. His plump and tail feathers were scarlet in color, the rump of the eye blue and the upper wings of yellow. Macaw were very intelligent, can be taught to speak. जो मकाओ था, जो पैरेट था, वो बहुत इंटेलिजेंट था. उसके जो फीडर्स थे वो बहुत सुंदर थे और उसकी बॉडी को पूरा कवर कर रखा था. और ब्राइट रेड उसका जो कलर था वो कैसा था? ब्राइट रेड था. और उसकी रंगम मीन्स बैक साइड, जो रंगम थी उसकी वो क्या थी? लाइट ब्लू कलर की थी. यानी वो बहुत दिखने में बहुत सुंदर होता दिखता था. और जो केजी कूट था वो मतलब इमिटेट भी करता था. ह्यूमन बॉयज जो है आपको पता है टोटल जो है रोते होते हैं वो ह्यूमन बॉयज को इमिटेट कर लेते हैं, उनकी नकल कर लेते हैं. तो वो ह्यूमन बॉयज मतलब ह्यूमन बॉयज को वो अच्छे से पहचानता था और उसको बोलता दिखा. क्रेजी कूट है बैड टेंपर. क्रेजी कूट को बड़ा गुस्सा आता था एंड व्हेन इमिटेट ही वो छोटे तो उसको गुस्सा आता था, वो बहुत चिल्लाता था ऑलमोस्ट लाइक ह्यूमंस जैसे इंसान चिल्लाते हैं. जब आपको गुस्सा आता है किसी को गुस्सा आता है तो आप इमिटेट होते हैं फिर आप चिल्लाते हैं. ऐसे ही क्रेजी कूट एक बर्ड था, कभी उसको ऐसे गुस्सा आता था और वो चिल्लाया करता था. ही लव्ड वाचिंग ओल्ड मूवीज, उसको ओल्ड मूवीज देखना बहुत पसंद था. विद जॉनी जे वो जॉनी जे के साथ ओल्ड मूवीज देखता था और कुड इमिटेट साउंड इन गन फायर. और जब वहां पर मारधाड़ होती थी मूवीज में, लड़ाई होती थी, गन की साउंड होती थी तो गोलियां चलने की जो साउंड होती थी तो वो क्या करता था, उसको इमिटेट करता था, उसकी वो नकल उतारता था. ही कुड ऑल्सो स्पीक सम
लिरिक्स भी याद थे। He loved to whistle, उसको whistle बजाना, सीटी बजाना भी बड़ा पसंद था। Whenever he saw a girl or a woman, he would whistle loudly and pretend to faint। जब भी वो किसी भी लड़की को या किसी भी लेडी को देखता था, तो वो क्या करता था कि सीटी बजाता था और ऐसे प्रेरणा करता था जैसे कि उसको चक्कर आ गया है। He also threw his favorite food, sunflower seed, throughout Johnny's house। उसके जो सनफ्लावर की सीड थी उसका फेवरेट फूड था, तो वो चारों तरफ उसको स्कैटर कर देता था, यानी जॉनी जो का जो केबिन था उसमें चारों तरफ को उसको स्कैटर कर देता था। जॉनी जो फेसिंग फूड बट वेल मैस्ड पेयर थे, दोनों स्टबर्न एंड सॉलिटरी, यानी दोनों को अकेला रहना पसंद था और दोनों आपस में ही खुश थे। जॉनी जो ओल्डर सिस्टर मिस नेम वाज नॉट फाउंड ऑफ द मकाउ, शी वुड विजिट देम व्हेन जॉनी जो एंड फेसिंग फूड वाज स्टेइंग इन देयर होम। और जो जॉनी जे हैं कि ओल्डर सिस्टर की बड़ी बहन थी, एक दिन वो अपने घर पर जाती है तो उन्होंने वहाँ देखा कि मकाउ वो उन्होंने वहाँ नहीं देखा जब वो जॉनी जे से मिलने जाती है। फेजिंग फूड पर स्टेइंग इन देयर होम ऑन द आइलैंड ऑन गुआना। व्हेनेवर मिस ने वाज अराउंड फेजिंग फूड ही वुड स्पीच एट हर देन ही वुड मेक साउंड ऑफ पुलिस साइरन एंड गन शॉट एंड लाफ अलाउड। तो जो फेजिंग फूड थी वो भी बड़ा इंटेक होती थी, जो मकाउ से थे वो फेजिंग फूड भी बहुत इंटेक होती थी, वो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालता था, पुलिस साइरन की आवाज़ निकालता था, गन शॉट्स की आवाज़ निकाल लेता था है, और बहुत तेज तेज हंसता था। तो बेसिक फूड जो थी उनको ये सब पसंद नहीं था। इसी में एज यू कैन इमेजिन वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद बेसिक फूड, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी, इसलिए वो बेसिक फूड को पसंद नहीं करते थे। वन आवर मिसी ने केम टू विजिट जॉनी जे, जब एक दिन दोपहर में मिसी ने वहाँ पर जॉनी जे से अपने भाई से मिलने आते हैं। व्हेन शी डिड नॉट फाइंड हर ब्रदर इन द हाउस, उन्होंने अपने भाई को अपने घर पे नहीं पाया, शी डिसाइडेड टू स्लीप, तो उनको लगा कि थोड़ी देर मैं यहीं पर सो जाती हूँ और इंतजार करती हूँ, मतलब सो कर इंतजार करती हूँ। शी इग्नोर फेसिंग फूड, उन्होंने एक फेसिंग फूड को जो इग्नोर कर दिया है, उसको देखा नहीं कि वो कहाँ है क्या है। व्हेन ही डिड नॉट गेट द अटेंशन दैट ही वांटेड, पर उन्होंने जब फेसिंग फूड को कोई अटेंशन नहीं दिया जो फेसिंग फूड चाहता था, तो फेसिंग फूड ने स्टार्टेड मट्टी मट्टी, यानी मन में वो गड़बड़ाने लगा। He hid himself behind the books. उसने अपने आप को कहाँ पे छुपा लिया? Books के पीछे छुपा लिया। Then he climbed in front of window of the parlor और he started putting things in his bag quietly, but because he did not want to wake up the sleeping। तो वहाँ पे कभी क्या होता है, दोपहर में ही एक thief आता है, चोर आ जाता है, और वो parlor क्या है यहाँ पर? Parlor a small room for guest। parlor को beauty parlor नहीं है, या आप समझ लीजिए मैम पार्लर पार्लर मेरे लिए ब्यूटी पार्लर हो गया, यहाँ पर गेस्ट रूम जो होता है उसको पार्लर कहा जाता है। तो वहाँ पर वो पार्लर में सो रही थी, तो एक चोर आया और वो चुपचाप अपने बैग की सारी चीज़ें डालने लग गया धीरे धीरे, ताकि उसी में है जो वो जाग ना पाए। बट द थीफ डिड नॉट नो अबाउट फेसिंग फूड, पर जो थीफ था वो फेसिंग फूड के बारे में नहीं जानता था। वो बस हाइडिंग हाइड जो कहाँ छुपा हुआ था, बुक्स के पीछे छुपा हुआ था। सडनली टेरिफाइड द थीफ स्टूड एज ही हैड टर्न इनटू स्टोन, और अचानक से जब थीफ जो है सडनली अचानक से टेरिफाइड करा हुआ जो थीफ था, स्टूड एज इफ ही हैड टर्न इनटू स्टोन, और ही उसके ऊपर स्टोन यानी एक पत्थर का जो पत्थर है उसके ऊपर मारा गया। तो वो जब टर्न हुआ आउट ऑफ नोवेयर सम शाउटेड यू थीफ यू किल मी, है तो अचानक से उसको आवाज आई यू थीफ, अरे छोड़ तुमने मार दिया, लीव मी अलोन, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, आई कॉल पुलिस, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, यू गो टू जेल, तो जेल जाओगे। यू वाज फॉलोड बाय द साउंड ऑफ पुलिस साइरन एंड गनशॉट, और वो पुलिस साइरन की और गनशॉट की आवाज करने लगा। द थीफ जंप टू एस्केप एट द सेम टाइम द सिस्टर शॉट आउट फ्रॉम द जेल। तो जैसे ही सारी आवाजें सुनी और ये आवाजें कौन कर रहा था, मकाउ कर रहा था, मकाउ बीबी जॉन को देख रहा था चुपचाप पीछे पीछे कि जब वो बुक के पीछे बैठा हुआ था, तो वो सारी चीज़ें उसे डराने के लिए थी, तो ये सारी बातें कही। तो जो मकाउ है वो तुरंत ही वहाँ से भागा, जैसे ही उसने जंप मारा तो उनकी जो सिस्टर थी जॉनी जे की, तो वो उठ गई और उन्होंने क्या देखा, सरप्राइज ऑन द टेबल ही फेंट देन, और जैसे ही वो भागने के जंप किया तो फेंट हो गए, फिर मतलब स्टम्बल एंड फेल यानी लटका के गिर जाना। तो वो गिर गया, उसका किस हेड उसका जो हेड है वो टेबल पे लगा और ही फेंट गए, वो बेहोश हो गया। इसी में देन क्वार्टर पुलिस, इसी में ने पुलिस को बुलाया, वो अरेस्टेड द थीफ, इन्होंने पुलिस ने इसको थीफ को अरेस्ट किया, फीलिंग एक्सटास्टिक एंड ही से
जब पुलिस ने पकड़ लिया था उसको, मिसिंग बोल रहा सॉरी थी को, तो जो उनको अंदर जो फीलिंग थी कि अब मिसिंग में जो है वो क्या है, बहुत सेफ है, उनका घर भी सेफ है, तो व्हेन यू बेसिक फॉर टू बैड थिंग, बट व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि किसी ने वो अब बेसिक फूड से इंपेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते उससे, क्योंकि यू कैन बी बेसिक फूड बोल सकता है यू की और निर्माण को मैं लीव मे अलोन आई गॉट प्लीज टू गो टू द जे आर द पुलिस फोर्स व्हेन दे हर्ड हर्ड बेसिक फूड एंड देन बर्स्ट आउट लाफिंग. तो जब किसी ने बताया कि